उत्कल बांगारे शिवसेनेत जॉईन झाले, पण ते कुठच्या पक्षातून आले ते तुम्ही सांगितलं ते तुम्ही जरा सांगू शकाल का? कुठल्या म्हणजे? अरे शिवसेनेतून आले ना अजून कुठे? असं आहे, ओरिजिनल शिवसेनेत ते आले. इस वीडियो में जैसे कि आप देख सकते हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपनी बात रख रहे होते हैं और अचानक उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उनके सामने से माइक छीन लेते हैं. तो क्या देवेंद्र फडणवीस इसलिए पत्रकारों से कह रहे हैं कि भाई एकनाथ शिंदे को मैंने मुख्यमंत्री बनवाया? हाँ, और क्या अगर आपने एक शख्स को मुख्यमंत्री बना लिया है तो क्या इस तरह का बर्ताव करने का अधिकार आपके पास है जहां आप उनके मुंह से माइक छीन लें? दोस्तों, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पत्रकारों से जो बात कही है वो कई मोर्चों पर गलत है और तथ्यात्मक तौर पर भी कई मामलों में गलत है. उन्होंने क्या कहा है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं. हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह और जेपी नड्डा और मेरी मंजूरी से शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया गया. यह कहना गलत नहीं होगा कि शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव भाजपा नेतृत्व के पास मैं लेकर गया था और उन्होंने नेतृत्व ने इसे स्वीकार कर लिया. तो यहां पर देवेंद्र फडणवीस यह दावा कर रहे हैं कि दरअसल उन्होंने ही शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया और अमित शाह के पास भी वही प्रस्ताव लेकर गए. मैं देवेंद्र फडणवीस से सवाल पूछना चाहता हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी के 3 MLA आपके पास आए थे और कहा था कि हमें मंत्री बनना है, तब आपने उनसे क्या कहा था कि दिल्ली जाइए, अमित शाह से मिलिए, अमित शाह को पटाइए, आपका काम हो जाएगा? सच सच बताइएगा, क्या यह हकीकत नहीं है कि उस रात यानी कि खेला होने वाले दिन से एक रात पहले रात को 12 बजे तक आप एक लंबी चौड़ी लिस्ट जो है केंद्रीय आलाकमान को भेज चुके थे और उस लिस्ट में आप मुख्यमंत्री थे देवेंद्र जी और एकनाथ शिंदे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे? सच सच बताइएगा, क्या यह खेला गृहमंत्री अमित शाह ने नहीं किया है? और क्यों किया है मैं आपको अपने कार्यक्रम में पहले बतला चुका हूं. उसके 2 कारण थे दोस्तों. कारण नंबर 1, वो चाहते हैं कि असली शिवसेना जो है वो एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना हो जाए, इसलिए उसे ताकत दी जाए मगर एट द सेम टाइम उसे भारतीय जनता पार्टी पर निर्भर की जाए. और जैसे ही वो बीजेपी पर निर्भर हो जाती है उसके बाद शिवसेना का सफाया हो. क्योंकि देखिए, एकनाथ शिंदे अगर चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे तो आम शिव सैनिक इस बात को लेकर काफी असमंजस में होगा कि हमारा नेता कौन है, उद्धव ठाकरे या एकनाथ शिंदे. इसलिए मकसद नंबर 1 था कि शिवसेना का खात्मा किया जाए मगर उससे पहले उद्धव ठाकरे का राजनीतिक तौर पर खात्मा किया जाए और एकनाथ शिंदे को पूरी तरह से निर्भर किया जाए भारतीय जनता पार्टी पर. और एकनाथ शिंदे पर कैसा कंट्रोल है बीजेपी का वो ये वीडियो साबित कर रहा है जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से उनके मुंह के सामने से देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो माइक हटा देते हैं. देवेंद्र फडणवीस ने और क्या कहा था पत्रकारों से मैं आपको बताता हूं. फडणवीस ने कहा कि यह भी तय किया गया था कि मैं सरकार से बाहर रहूंगा लेकिन भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुझे फोन किया और कहा कि पार्टी ने मुझे उप मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया है. यहां तक कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी मुझसे बात की. फडणवीस ने कहा कि वे उप मुख्यमंत्री पद का स्वीकार करने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं थे और उन्होंने मन बना लिया था कि वो बाहर से एकनाथ शिंदे सरकार की मदद करेंगे. उन्होंने कहा कि लेकिन मैंने अपने नेताओं के आदेश का पालन करते हुए अपना फैसला बदल दिया. अब मेरा देवेंद्र फडणवीस साहब से एक और सवाल है, क्या यह हकीकत नहीं कि जब आपके पास फोन आया था कि आप उप मुख्यमंत्री बने तब आप पार्टी के कई नेताओं के साथ बैठे थे और जैसे ही आपको यह फरमान, यह हुक्म सुनाया गया उसके बाद आपकी आंखों में आंसू आ गए थे? बताइए बताइए, ऐसे में महाराष्ट्र की जनता के साथ यह इमोशनल अत्याचार क्यों? ये तमाम फैक्ट्स हैं जिसे देवेंद्र फडणवीस इनकार नहीं कर सकते. मकसद यह था कि अमित शाह एक तीर से 2 निशाने साध रहे थे. पहला, वो देवेंद्र फडणवीस को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते हैं इसलिए उनका इलाज किया जाए. दूसरा, शिवसेना को खात्मे की तैयारी की जमीन रखना.
आज ये बात एकनाथ शिंदे नहीं समझेंगे और ना उनके साथ बागी विधायक समझेंगे, क्योंकि वो भाजपा में इसलिए हैं क्योंकि उनके मन में ईडी का डर बिठाया गया है, सीबीआई का डर बिठाया गया है, इनकम टैक्स का डर बिठाया गया है, और यही वजह है कि आज वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि एकनाथ शिंदे गुट में कम से कम आधा दर्जन ऐसे एमएलएज हैं जिन पर ईडी की तलवार लटक रही है, प्रवर्तन निदेशालय की तलवार लटक रही है, और उसी से बचने के लिए सबने जंप मारा है। वैसे इमोशनल कार्ड खेलने का काम सिर्फ देवेंद्र फडणवीस नहीं कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे एक बहुत मुश्किल और लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं, और उनकी लड़ाई क्या है, जनता को यह समझाना कि असली शिवसेना मेरे साथ है, एकनाथ शिंदे ने मेरी पार्टी को तोड़ा है। इसलिए आए दिन उद्धव ठाकरे इमोशनल बयान देते रहते हैं। उन्होंने दो बातें की, एक एक करके आपके स्क्रीन पर आ रही हैं। पहला, उन्होंने सीधा बागी विधायकों पर हमला बोला है। क्या कहा है आपके स्क्रीन पर? महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने सोमवार को विधानसभा विश्वास मत जीत लिया। इस बीच सत्ता जाने के बाद उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने जमकर बागी विधायकों पर निशाना साधा है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि मैं उस बीच धारा में खड़ा हूं जहां मेरे एक तरफ गद्दारों के चेहरे पर हंसी तो दूसरी तरफ मेरे निष्ठावान शिव सैनिकों की आंखों में आंसू हैं। मुझे दोनों के बीच से रास्ता निकालना है, मैं रास्ता जरूर निकालूंगा। और जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, इससे पहले ठाकरे ने अपने पार्टी के नेताओं से कहा था अगर वे लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो साथ रहें, बीजेपी शिवसेना को खत्म करने का प्रयास कर रही है। मगर बड़ा प्रश्न, शिव सैनिकों के आंखों के आंसुओं का हवाला देकर क्या उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे की शिवसेना का वजूद बचा पाएंगे? क्योंकि उनके सामने तो और ही चुनौती है। एक तरफ अमित शाह का दिमाग, अमित शाह चाहते हैं कि शिवसेना खत्म हो जाए, दूसरी तरफ उनके तमाम विधायक, अधिकतर विधायक इस वक्त एकनाथ शिंदे के साथ हैं। यह दोहरी चुनौती इस वक्त उद्धव ठाकरे के सामने है, तो क्या उद्धव ठाकरे इस चुनौती का सामना कर पाएंगे? और बात यहां नहीं रुकती दोस्तों, उन्होंने एकनाथ शिंदे पर विश्वासघात का आरोप लगाया है। क्या कहती है एनडीटीवी की खबर, एकनाथ शिंदे को मैंने पार्टी की जिम्मेदारी दी थी, उन्होंने मेरी ही पीठ में छुरा घोंपा। वो क्या कह रहे हैं, पढ़ के सुनाना चाहता हूं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को कहा कि एकनाथ शिंदे ने उनकी पीठ में छुरा घोंपा है। शिवसेना कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ठाकरे ने कहा कि उन्होंने शिंदे को पार्टी की जिम्मेदारी दी थी। ठाकरे ने कहा, शिंदे जिन्हें मैंने पार्टी की जिम्मेदारी दी उन्होंने मेरी पीठ में छुरा घोंपा, जबकि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस हमारे साथ रही। ये देखना दुखद है कि जो विधायक और मंत्री शिवसेना कार्यकर्ताओं के कारण जीते और सब कुछ पा लिया, उन्होंने उन्हें छोड़ दिया। और हो क्या रहा है दोस्तों कि एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच में बयानात लगातार बढ़ते जा रहे हैं। शिवसैनिक कह रहे हैं, शिवसेना के कई नेता कह रहे हैं कि एक थ्री व्हीलर वाले को मुख्यमंत्री बना दिया गया है, और उसका मुंह तोड़ जवाब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दिया है। एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि आज की तारीख में थ्री व्हीलर जो है वो मर्सिडीज के आगे आ गई है। आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, ये इस राजनीतिक लड़ाई की महज शुरुआत है, क्योंकि अब आम शिवसैनिक को फैसला करना है, शिवसेना के पारंपरिक वोटर को फैसला करना है कि दरअसल असली शिवसेना कौन सी है, वो जो एकनाथ शिंदे के साथ है या वो जो उद्धव ठाकरे के साथ है, वो उद्धव ठाकरे जो बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं। उसके सामने ये दो सीधे विकल्प दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, और आने वाले दिनों में राजनीति बहुत दिलचस्प होने वाली है, राजनीति बिल्कुल अलग होने वाली है, क्योंकि यह शिवसेना अब बीजेपी के साथ कभी नहीं जाएगी। वैसे राजनीति में चमत्कार होते रहते हैं, हम नहीं कह सकते आने वाले दिनों में क्या होगा, मगर यह शिवसेना कम से कम आने वाले वक्त में कांग्रेस और एनसीपी के साथ दिखाई देगी। उससे फिलहाल अपना भविष्य इनके साथ दिखाई दे रहा है। अब हमें देखना होगा कि आगे जाके हालात बदलते तो नहीं है। मेरी निगाह महाराष्ट्र की राजनीति पर लगातार बनी रहेगी। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये तीन विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।